लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत। नमस्कार, लाइव दोपहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। हावड़ा में एक महिला प्रोफेसर की ट्रेन से गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उक्त महिला प्रोफेसर अपने घर से बाहर निकली थी कि मैं घूम कर आ रही हूं, लेकिन शाम तक घर वापस न लौटने पर उसके पति ने जब उसकी खोज शुरू की तो पता चला कि उक्त महिला प्रोफेसर की मौत हो चुकी है। शनिवार को ट्रेन से गिरकर एक महिला प्रोफेसर की मौत हो गई। मृतका का नाम बेटसी सिमोन था। यह घटना बगनान के देउल्टी की है। वह मिजोरम की प्रोफेसर थी। वह चेन्नई की रहने वाली थी। वह अपने पति को कहकर गई कि वह बाथरूम जा रही है, लेकिन देर तक वापस नहीं लौटने पर उसके पति ने उसे ढूंढना शुरू किया। वह जब नहीं मिली तो इसकी शिकायत हावड़ा स्टेशन पर की गई। मौके पर पहुंची रेल पुलिस ने महिला प्रोफेसर के शव को बरामद किया। आइए देख लेते हैं बंगाल की जुड़ी कुछ और अन्य खबरें। फीफा अंडर 17 विश्व कप का बुखार कोलकाता पर भी धीरे धीरे चढ़ता जा रहा है। कोलकाता में रविवार से फुटबॉल टूर्नामेंट का आगाज हो गया है, जबकि इससे पहले ही कई अन्य जिलों में शनिवार को फुटबॉल को लेकर कई रैलियां निकाली गई। ये रैलियां बर्दवान, हावड़ा सहित उत्तर दिनाजपुर में भी निकाली गई। उत्तर दिनाजपुर जिले के जिला सुपर पुलिस के निर्देश पर रायगंज व कालियागंज थाने की सहयोगिता से फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप को लेकर एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। यह रैली थाने के प्रांगण से होकर पूरे इलाके में निकाली गई। इस रैली में निर्मल रॉय, अतनु चक्रवर्ती, देवाशीष कुंडू व प्रताप मिश्र शामिल हुए। चाकुलिया थाने के सहयोगिता से चाकुलिया इलाके के विभिन्न स्कूल व क्लब के छात्र व छात्राओं को लेकर एक रैली निकाली गई, जिसमें सभी स्कूल के बच्चों को हर खेल में हिस्सा लेने के लिए उत्साहित किया गया। बेंट्रा थाना अंतर्गत बेलिलियस पार्क में स्विमिंग करने के दौरान लेक में डूबने से एक किशोर 14 वर्षीय मोहम्मद साहिद की मौत हो गई। यह घटना शनिवार को घटी। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना बेंट्रा थाना की पुलिस व गोताखोरों को दी। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से लगभग एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद किशोर का शव बरामद किया। किशोर बेंट्रा थाना अंतर्गत टिकिया पाड़ा के गंगाराम बैरागी लेन का रहने वाला था। इस घटना से किशोर के घर में मातम पसरा हुआ है। इधर इस घटना के बाद इलाके के लोगों का आरोप है कि गत एक साल पहले बेलिलियस पार्क में नेहा सिंह नामक युवती की झूले से गिरने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद से ही पार्क बंद था। आरोप है कि बंद पार्क में भी सिक्योरिटी गार्ड द्वारा लोगों को मॉर्निंग वॉक के लिए घुसाया जाता था। इस कारण ही शाहिद व उसका भाई पार्क में घुसकर स्विमिंग करते थे। इस मामले में स्थानीय पार्षद दिवेंदु मुखर्जी ने कहा कि युवती की मौत के बाद से उक्त पार्क को बंद ही रखा गया है, लेकिन स्थानीय बच्चे पार्क के बंद गेट को पार करके पार्क में खेलने व स्विमिंग करने जाते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। लाइव कोलकाता, आपकी सोच हमारी ताकत।